सबसे पहले मैं सब मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग सबसे पहले हम चौवादी और सुंजुआ दो पंचायतों की हम बात करेंगे। सबसे पहले रेवेन्यू, दूसरा नंबर डेवलपमेंट, तीसरा नंबर जो पीएचई है और चौथा नंबर आ गया इसका फॉरेस्ट का। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम जदी पुश्ती चौधरी और सुंजुआ के रहने वाले हैं। जहां हमारा घर है वहां सुंजुआ और चौधरी का बॉर्डर है और हम बाखूबी दोनों पंचायतों को जानते हैं। ये चार मुद्दे जो रखे हुए हैं, इन मुद्दों को हम 400-500-600 साल से हमारी यहाँ की तारीख है। हमें महाराजा हरि सिंह से पहले की जो है हमें खेवटे लाड हुई हैं। हमारे जो बुजुर्ग वर्दी के लोग हैं वो बहुत बहादुर जवान थे, जो हमें महाराजा हरि सिंह से पहले हमें जो चार खेवटे लाड की गई। उसके बाद जो हमारी हिंदू बरादरी है उनके साथ भेदभाव चल रहा है, रेवेन्यू का मुसलमानों के साथ चल रहा है, सिखों के साथ चल रहा है। सबसे जो हमारे साथ जो हत्याचार हो रहा है सुंजुआ और चौधरी में, ये शेख दुल्ले की देन है। शेख दुल्ला ने हमारे सबसे ज़्यादा जो राजपूतों के साथ हत्याचार किए गए, जो उनका रकबा जो ऋषि रकबे थे उनको स्टेट लैंड किया गया और स्टेट लैंड करके उस इन्होंने उस पे जो है कि हमने गरीबों को ये रकबा देना है, ये राजपूतों के पास ज़्यादा रकबा है। जो एससी के लोग हैं एसटी के लोग हैं उन पर इन्होंने इन्हीं की गवर्नमेंट ने इन्होंने जीडी की एंट्री की, इन्होंने फॉरेस्ट की एंट्री की और इन्होंने रोशनी एक्ट बनाया कि सब लोगों को हक मिले। रोशनी एक्ट में भी इन्होंने घोटाला किया गया। जो अपने जो मगरमच्छ थे, ये तीन किस्म के लोग हैं, मगरमच्छ, काली बेड़े और लकड़बग्घे, इन्होंने तबाही निकाली है हमारे सुंजुआ और चौधरी की। यहाँ जितने भी पटवारी रहे हैं सुंजुआ और चौधरी से सुंजुआ एनसी के टाइम से लेके आज तक वो ही पटवारी, वो ही गुरद्वार, वो ही नायब तहसीलदार जहाँ रहते हैं, इनको आज तक पूछने वाला कोई नहीं है। आज हम ये हिंदू बरादरी और हम मुस्लिम बरादरी यूनाइट होकर हम मीडिया के पास आज आए हैं कि हम अपनी जो है जो दुख तकलीफ है जो हम आपके रूबरू कर सकें। और जितने भी ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, इतना बड़ा स्कैम है कि अगर आपके माध्यम के जरिए सीबीआई एनआई की इन्वेस्टिगेशन हो, इतना बड़ा स्कैम कोई नहीं नजर आएगा जहाँ चौधरी और सुजुआ में। अगर शेख दुल्ला ने स्टेट लैंड किया है तो उनको हक मिलना चाहिए था सुंजुआ चौधरी में। अगर हक नहीं मिला है, ना मंदिरों को हक मिला है और ना मस्जिदों को हक मिला है अपनी ज़मीनों का, जहाँ बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं जहाँ मस्जिदों की ज़मीन जो गायब है, रास्ते गायब हैं, तालाब गायब हैं, कोई पूछने वाला है ही नहीं, तो पूछना चाहिए। तो प्रधान है, अगर उन्होंने रोशनी एक्ट के लिए उसको ख़त्म करने के लिए कुछ हमने सुना है कि कोर्ट में अर्जियां दायर की हैं, तो जो स्टेट लैंड शेख उदुल्ले के टाइम हुई है जो स्टेट लैंड की है उनको दोबारा से बहाल किया जाए, ये भी एक अर्जी दायर की जाए सुप्रीम कोर्ट में की जाए कि उस रकबे को स्टेट लैंड का जो रकबा शेख उदुल्ले के टाइम हुआ है उसको दोबारा राजपूतों को बहाल किया जाए। बहुत सारे जो स्टेट लैंड नंबर हैं उनमें क्या होता है कि जो मगरमच्छ हैं उन्होंने जैसा कि 50 कनाल का कोई नंबर है उसमें 10 कनाल की रजिस्ट्री हो जाती है स्टेट लैंड की और उसके बाद पटवारी क्या लिखते हैं, बाकी रकबा सरकार रहेगा। वो क्यों रहेगा सरकार,
एक के नाम पे 10 कनाल की रजिस्ट्री है, दूसरे का रकबा स्टेट लैंड का। ये ऐसा नहीं होना चाहिए।